हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गोरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरजे करियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस की आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए एक इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें अपन बात करने वाले हैं पेल्विस के बारे में। तो पेल्विस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। यहां से कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी आपको यहां पे बताए जाएंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपन कंप्लीट क्लास के अंदर उन क्वेश्चंस के बारे में आपको डिस्कस करते रहेंगे। इसी के साथ आरजे करियरपॉइंट की वेबसाइट के ऊपर आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली गूगल पे सर्च करें rjcareerpoint.com और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। और रेगुलर प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम अब नियर बाई है। 6 to 7 days आपके पास रिमेनिंग रहे हैं कंबाइन एम्स के लिए, तो जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें अपन बात करने वाले हैं पेल्विस के बारे में। तो कंबाइन एम्स के लिए टेस्ट सीरीज एक बार फिर बता रहा हूं आपको, कंबाइन एम्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसके अंदर आपको 600 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सिंपल आप रजिस्ट्रेशन कीजिए आरजे करियरपॉइंट की वेबसाइट के ऊपर और रजिस्ट्रेशन करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आजकल पूछे जा रहे हैं, अभी ऋषिकेश के अंदर फिलहाल पूछे थे, तो वैसे क्वेश्चन भी आपको टेस्ट सीरीज के अंदर अवेलेबल होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो हमारे सपोर्टिंग नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9024103614 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारी क्लास, जिसमें अपन बात करेंगे पेल्विस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं पेल्विस। पेल्विस की अगर अपन पहले कुछ एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं, तो पेल्विस जो होता है वो चार बोन से मिलकर बना होता है। इट फॉर्म बाय द फोर बोन्स। कौन कौन सी होती है? टू इनोमिनेट बोन। दो तो क्या होती है? इनोमिनेट बोन होती है, ठीक है। अब इनोमिनेट बोन का मतलब क्या होता है? ऐसी बोन जो एक दूसरे के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है, मतलब एलियम, एस्टियम और प्यूबिस, ठीक है। दोनों तरफ क्या होता है? दो दो एलियम, एस्टियम और प्यूबिस मिलकर क्या बनाती है? दो इनोमिनेट बोन बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सैक्रम एंड कॉकिक्स। सैक्रम और कॉकिक्स, ये चार बोन मिलकर क्या बनाती है? पेल्विस का फॉर्मेशन करती है। इस दो इनोमिनेट बोन के अंदर क्या आ जाएंगे? एलियम, दो होती है एस्टियम एंड दो इज प्यूबिस, ठीक है। तो चार बोन मिलकर क्या बनाती है? पेल्विस का फॉर्मेशन करती है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप एक बार शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट लाइव आ जाए। आई थिंक स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन नहीं गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसी के साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इट कंटेन फोर जॉइंट। फोर क्या होते हैं इसके अंदर? जॉइंट होते हैं। दो जॉइंट होते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। क्या होते हैं? सैक्रोइलियक जॉइंट। एक होता है सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट, सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट, और एक होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये चार बोन और चार जॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं? चार बोन और चार जॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं? पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं यहां पर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहां से ही तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। यहां पर हम बात किसी कर लिए स्ट्रक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स। तो देखिए, दो टाइप होते हैं इसके। फर्स्ट है फाल्स पेल्विस, फर्स्ट इज फाल्स पेल्विस, और सेकंड होता है ट्रू पेल्विस। तो फाल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस के अंदर देखिए क्या डिफरेंस है। फाल्स पेल्विस क्या होता है? इनलेट के अबाव का जो पोर्शन होता है, अभी आपको डायग्राम के अंदर बता दूंगा मैं। फाल्स पेल्विस क्या होता है? जस्ट अबाउट टू ट्रू पेल्विस,
ट्रू पेल्विस के जस्ट ऊपर होता है, इट डज नॉट एक्टिव रोल इन लेबर। इसका लेबर के अंदर कोई इंपोर्टेंस या कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ओनली सपोर्ट द इंटरनल विसराज, इंटरनल विसराज, जो इंटरनल विसराज मतलब इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। फाल्स पेल्विस जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहां से ट्रू पेल्विस के बारे में, ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस के देखिए तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज इनलेट, सेकेंड इज कैविटी एंड थर्ड इज आउटलेट। इनलेट, कैविटी और आउटलेट तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। अब इनलेट की बात करें अपन तो देखिए एक बार आपको डायग्राम दिखाता हूं मैं। इनलेट की अपन बात करें तो इनलेट कैसा होता है, राउंडेड या ओवल शेप, कैसा होता है, राउंडेड या ओवल शेप होता है, ठीक है, राउंडेड या ओवल शेप होता है इनलेट। पेल्विक इनलेट जो होता है राउंडेड या ओवल शेप होता है और बनता किससे है, अपर बॉर्डर ऑफ, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस की अपर बॉर्डर। टू सैक्रल प्रोमिनेंट्री, टू द सैक्रल प्रोमिनेंट्री, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंट्री जो एरिया होता है वो किससे बनकर बनाता है, इनलेट, पेल्विक इनलेट किससे बनता है, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंट्री। अभी डायग्राम में आपको अच्छे से दिखा दूंगा मैं कि इनलेट कहां पाया जाता है पेल्विस के अंदर या कैविटी कहां होती है और आउटलेट कहां कौन सा पार्ट होता है, ठीक है, तो इसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इनलेट को अपन क्या बोलते हैं, पेल्विक ब्रिम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक ब्रिम, इनलेट इज ऑल्सो नोन एज द पेल्विक ब्रिम। अब इसके डायमीटर्स की बात करते हैं अपन, इसके डायमीटर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटर पोस्टर डायमीटर या ऑब्लिक डायमीटर या ट्रांसवर्स डायमीटर। तो इनलेट का जो एंटीरियर पोस्टर डायमीटर होता है, इनलेट का एंटीरियर पोस्टर जो डायमीटर होता है कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है एंटीरियर पोस्टर डायमीटर, ठीक है। ऑब्लिक डायमीटर की बात करें अपन, ऑब्लिक डायमीटर तो होता है 12 सेंटीमीटर। और ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। ये तो क्या, इनलेट का एंट्रो पोस्टर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। अब यहां पर देखिए एंट्रो पोस्टर डायमीटर के अंदर अपन देखा 11 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर अपन तीन कंपार्टमेंट और पढ़ते हैं एंट्रो पोस्टर डायमीटर के अंदर। सबसे पहला होता है ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटोमिकल कॉन्जुगेट, या एनाटोमिकल कॉन्जुगेट। अब ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटोमिकल कॉन्जुगेट कौन कौन से जंक्शन के बीच में बनता है, मतलब कौन कौन से पार्ट है जहां से अपन इसको मेजर करते हैं कि ये ट्रू कॉन्जुगेट होगा या ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्जुगेट होगा या डायगोनल कॉन्जुगेट होगा। इसके तीन सब टाइप होते हैं एंट्रो पोस्टर डायमीटर के, तीन सब टाइप होते हैं। एक होता है ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटोमिकल कॉन्जुगेट, या इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट वेरा, और दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्जुगेट, और तीसरा होता है डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ट्रू कॉन्जुगेट जो होता है उसको अपन कहां से मेजर करते हैं, देखिए अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंट्री तक, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंट्री। अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंट्री, ठीक है। और इसका जो लेंथ होती है कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर। ये होता है ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटोमिकल कॉन्जुगेट, फर्स्ट। सेकंड अपन बात करें
ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्जुगेट, सेकंड है ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्जुगेट, ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्जुगेट की बात करें तो कहां से बनता है, मिडल बॉर्डर ऑफ, मिडल बॉर्डर ऑफ सिंफाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेट्री, सैक्रल प्रोमोनेट्री, और इसकी लेंथ कितनी होती है 10 सेंटीमीटर, सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डायमीटर, शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट 10 सेंटीमीटर, कौन सा होता है ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। थर्ड अपन बात करें, थर्ड है डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है। अब डायगोनल कॉन्जुगेट के अंदर इसमें क्या डिफरेंस होगा, सबसे पहले हमने देखा कि अपर बॉर्डर से सैक्रल प्रोमोनेट्री तक, फिर सेकंड में देखा मिडिल बॉर्डर से लेकर कहां तक सैक्रल प्रोमोनेट्री तक, और डायगोनल कॉन्जुगेट में होता है लोअर बॉर्डर ऑफ सिंफाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेट्री, कहां से लोअर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर ऑफ सिंफाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेट्री तक, और इसकी लेंथ कितनी होती है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंट्री पोस्टर डायमीटर, इनलेट का लार्जेस्ट एंट्री पोस्टर डायमीटर कौन सा होता है, डायगोनल कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और बात करें इनलेट के अंदर कुछ पेल्विक के क्या होते हैं, पेल्विस के कुछ प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं, इनलेट में पेल्विस के कुछ क्या होते हैं प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं, कौन कौन से थे देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्यूबिक क्रस्ट, इनके आपको कई बार नाम पूछ लेता है, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, थर्ड इज द पेक्टिनियल लाइन, पेक्टिनियल लाइन, सैक्रल प्रोमोनेट्री, सैक्रोइलियक जॉइंट, सिंफाइसिस प्यूबिस, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, नेक्स्ट इज इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये कुछ बोनी प्रोमिनेंस है जो हमें इनलेट के अंदर शो होते हैं, कुछ बोनी प्रोमिनेंस है जो इनलेट के अंदर शो होते हैं। अभी डायग्राम में आपको सारी चीज बता दूंगा मैं, डोंट बी वरी, डायग्राम में आपको सिर्फ अभी जैसे नाम आपको बता दिया मैंने, तो डायग्राम में हर एक चीज को डिनोट करके बता दूंगा कौन सा पार्ट कहां पर हमें दिखाई देता है, ठीक है। जब इसके अभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको टाइप्स में भी आपको डायग्राम देके पूछ सकता है, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डायग्राम से आपको इजिली समझ में आ जाएगी। अभी अपन थ्योरी के हिसाब से देख रहे हैं इसको, तो ये कुछ क्या होते हैं इनलेट के कुछ बोनी लैंडमार्क अपन बता सकते हैं, कुछ प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं जो पेल्विस के अंदर अपने को दिखाई देते हैं। ये तो बात होगी किसकी, पेल्विक इनलेट की। नेक्स्ट हम देखते हैं कैविटी, सेकंड इज कैविटी, कैविटी जो होती है वो कैसी होती है, राउंडेड, राउंडेड होती है, ठीक है। और इसका अगर अपन डायमीटर की बात करें तो चाहे एंटीरियर पोस्टीरियर हो, ऑब्लिक हो या ट्रांसवर्स हो, डायमीटर कितना होता है इसका 12 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका, ठीक है। और पेल्विक जो कैविटी होती है वो कहां से कहां तक होती है, S1 to S5 तक, सैक्रम, S जो वर्टिब्राज होती है,
S1 to S5 तक क्या होती है, पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, पेल्विक इनलेट, और नीचे क्या होता है, पेल्विक आउटलेट। तो दोनों के पीछे प्रेजेंट होती है कौन सी, पेल्विक कैविटी जो होती है अपनी। अब इसके अंदर भी देखिए, ये जो मैंने आपको रेशियो बताया कि S1 to S5 तक क्या होती है, पेल्विक कैविटी प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर भी एक पार्ट कई बार पूछ लेता है आपको कि मिड पेल्विस प्रेजेंट होता है, क्या होता है, मिड पेल्विस। तो कैविटी के अंदर मिड पेल्विस प्रेजेंट होता है, और कहां से कहां तक होता है, ये S2 या S3 से लेकर S5 तक। सेक्रम जो सेकंड या थर्ड वर्टिब्राज है, वहां से सेक्रम जो फिफ्थ वर्टिब्राज होती है वहां तक क्या होता है, मिड पेल्विस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो हो गया कैविटी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेल्विक आउटलेट, आउटलेट की बात करते हैं, ठीक है। आउटलेट कैसा होता है, ओवल या राउंडेड होता है। अब देखिए बनता किससे है, एंटीरियरली अपन बात करें तो पेल्विक आउटलेट जो होता है वो एंटीरियरली कहां से निकलता है, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस ट्यूबिस, ठीक है। लैटरली क्या होता है, इस्चल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। और पोस्टीरियर पर बात करें, पोस्टीरियर में क्या होता है, टिप ऑफ द कॉकिक्स, क्या होता है, टिप ऑफ कॉकिक्स। तो ये होता है पेल्विक आउटलेट। और पेल्विक आउटलेट की अपन इसके डायमीटर देखें तो पेल्विक आउटलेट के अंदर डायमीटर होता है एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर और एक होता है ट्रांसवर्स। पेल्विक आउटलेट के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ऑब्लिक डायमीटर वैसे अपन थ्योरेटिकली नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज टाइम में अपने पढ़ा था कि यहां पर 12 सेंटीमीटर होता है, लेकिन रियली अपन बात करें तो इसमें ऑब्लिक डायमीटर एब्सेंट होता है क्योंकि लेटरल जो वॉल्स होती है वो इसमें आउटलेट के अंदर हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसलिए यहां पर देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो होता है 13 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर कौन सा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट। और ट्रांसवर्स डायमीटर की अपन बात करें तो यहां पर होता है 11 सेंटीमीटर। अब आपको ये पेल्विस के बारे में जो भी है वो सारा आप डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ट्रिक सिंपली अपन यहां पर अपन याद रखें कि जो डायमीटर्स की बात कर रहे हो आप, तो डायमीटर आप ध्यान रखें, एक सारणी के द्वारा बताता हूं मैं आपको, देखना इनलेट का कैविटी एंड आउटलेट। अब इसमें आपको तीन चीज पूछते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। तो इनलेट में आप सिंपली याद रखें, इनलेट का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है कितना होता है 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक होता है 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स होता है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कैविटी के अंदर डायमीटर कितने होते हैं, तीनों 12 सेंटीमीटर, और आउटलेट के अंदर ऑब्लिक डायमीटर एब्सेंट होता है और एंटीरियर पोस्टीरियर होता है 13 सेंटीमीटर और यहां पर होता है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं यहां से इमेज के साथ। अब आपको पेल्विस की इमेज के साथ आपको हर एक चीज बता देंगे, इमेज आपको दिखाई दे रही है, पेल्विस के लैंडमार्क की ट्रिक सिंपल है, उसमें देखिए डिनोट करते 4 तो है पी से, ठीक है,
फोर तो किससे है, पी से, जिसके अंदर देखिए प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनल लाइन, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। इसके बाद में एस आई एंड एस, ठीक है। एक होता है सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है, दूसरा होता है सैक्रल प्रोमोनेंट्री, और तीसरा है इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। और इसके अलावा अपने पास बचा था है दोर, आई एंड ए, ठीक है। ये एक होता है एला ऑफ सैक्रम, और एक होता है इलियोप्यूबिक इलियोपेक्टिनल लाइन, और एक होता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो आप इनको एक बार अरेंज कर ले अपने अकॉर्डिंग, आपको सिंपली याद रहेंगे ये चीज, ठीक है। अब देखिए आपको डायग्राम अच्छी तरह दिखाई दे रहा है पेल्विस का। अब इसके अंदर देखिए ट्रू पेल्विस और फाल्स पेल्विस की सबसे पहले बात करते हैं। जो पेल्विक इनलेट होता है, मैंने आपको बताया था पेल्विक इनलेट कहां से बनता है, एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस और पोस्टीरियरली सैक्रल प्रोमोनेंट्री। तो यहां से जो कंप्लीट फॉर्मेशन होता है ये क्या कहलाएगा, ट्रू पेल्विस। और इससे जस्ट अबाउ, इसके जस्ट अबाउ जैसे कौन कौन सी बात आ गई, यहां पर ये जो सपोर्ट है पेल्विस के, ये जो सपोर्ट्स हैं ये क्या करेंगे, सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो इलियम क्रस्ट होते हैं, इलियम क्रस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी अपन लेबर की बात करें तो लेबर के अंदर इनका कोई एक्टिव रोल नहीं होता है, लेबर के अंदर इनका कोई एक्टिव रोल नहीं होता है, ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये यहां पर ये क्या है, फाल्स पेल्विस है, ये क्या है, फाल्स पेल्विस है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको राउंड सर्किल करके बताया, यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रू पेल्विस। और ट्रू पेल्विस के अंदर भी अगर कैविटी की बात करें, ट्रू पेल्विस जहां से स्टार्ट होता है ये तो हो गया किसका, इनलेट हो गया। अब यहां पर इसकी कैविटी की बात करें तो इसके इनसाइड क्या होती है, ये कैविटी होती है, ठीक है। कैविटी कैसी होती है, राउंडेड होती है। इसकी लैटरली चारों तरफ क्या होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती है, इसको कैविटी के रूप में बोलते हैं, मतलब इनलेट और आउटलेट। अभी 3D डायग्राम होता तो मैं आपको इजीली बता सकता। और इसके जस्ट नीचे अपन बात करें तो वो होता है आउटलेट, यानी पेल्विक आउटलेट कहलाएगा, ठीक है। यहां पर ये है सिम्फाइसिस का जॉइंट है। और बोन्स की अपन बात करें तो ये तो होती है इलियम, यहां से लेकर यहां तक इलियम बोन, ठीक है। ये होती है एस्चियम, कौन सी है, एस्चियम। और ये जो बोन है वो कौन सी है, प्यूबिक बोन। समझ में आ गया सभी को। और पीछे अपन बात करें तो ये कौन सा है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री। ये जो कंप्लीट पार्ट है ये कौन सा है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री का पार्ट कहलाता है। इसके अंदर मैंने आपको चार जॉइंट अभी बताए थे, देखिए चार बोन और चार जॉइंट जो बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट जो दो जॉइंट होते हैं कौन से, एक तो सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं, दो तो सैक्रोइलियक, यानी इलियक बोन किससे जुड़ रही है, सैक्रम से जुड़ रही है। तो दो जॉइंट तो हो गए सैक्रोइलियक जॉइंट, एक होता है सैक्रोकोकिजल जॉइंट, एक होता है सैक्रोकोकिजल जॉइंट, और एक होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये चार जॉइंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा चार बोन आपको इजिली दिख रही होगी, दो तो इनोमिनेट बोन इलियम, इस्टियम और प्यूबिस। ये इस्टियम बोन यहां से होते, ठीक है, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस सेम एज इट इज, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ होते हैं। तो ये क्या हो गया, दो तो इनोमिनेट बोन हो गई, एक हो गई अपनी सैक्रम बोन, ये कंप्लीट सैक्रम, और लास्ट अपनी कॉकिक्स। ये चार बोन, चार बोन और चार जॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं, पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो हॉलमार्क दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इस्चल ट्यूब्रोसिटी, क्या कहलाता है, इस्चल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। और ये जो होता है क्या कहलाएगा, इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट। अब नेक्स्ट देखिए, एक डायग्रामेटिक आपको दिखाता हूं मैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहां से देखिए, आपको इसमें नेम तो नहीं दिख रहे होंगे शायद, एक बार कमेंट करके बता दे मुझे। दिखाई दे रही इसके अंदर नेम,
देखिए यहां पे डिनोट कर रखा है किसको, इलियक क्रस्ट को। ये क्या है, इलियक क्रस्ट, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया था सैक्रो इलियक ज्वाइंट, ये क्या कहलाएगा, सैक्रो इलियक ज्वाइंट। और ये जो पार्ट है वो क्या है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, क्या है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री। और इनलेट की बात मैं भी कर रहा था आपसे कि इनलेट कौन सा है, ये है इनलेट, या इसको क्या बोलते हैं अपन, पेल्विक ब्रिम। ये कंप्लीट क्या है, इनलेट या पेल्विक ब्रिम। इसके बाद में इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन यहां पे स्लाइटली जो इसियम बोन है वो अंदर की तरफ उभरी हुई होती है, जिसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहां से एसिटाबुलम कैविटी, जहां पर हेड ऑफ फीमर आके अटैच होता है, एसिटाबुलम कैविटी पेल्विस के अंदर होती है। प्यूबिक क्रस्ट, जो प्यूबिक बोन होती है उसका उभरा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, यहां पर प्यूबिक क्रस्ट कहलाता है। और ये कहलाएगा आपका इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ये क्या है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। तो यहां पर देखिए बोन में आपको अलग अलग डिवाइड करके बताता हूं, ये जो इलियम बोन होती है वो यहां से काउंट होकर यहां तक प्रेजेंट होती है, ठीक है, इलियम बोन। इस्चियम बोन का जो पार्ट होता है ये इस्चियम बोन होती है, और प्यूबिस बोन सिर्फ सिम्फाइस प्यूबिस का जॉइंट बनाती है। तो ये पेल्विस का डायग्राम आपको इजीली समझ में आ जाएगा, यहां पर अपने सैक्रम का पार्ट है और ये है कॉकिक्स। तो चार बोन और चार जॉइंट मिलकर पेल्विस बना रहे हैं, और इसके कुछ बोनी लैंडमार्क्स होते हैं जिन्हें आप सिंपली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पेल्विस के टाइप की, तो पेल्विस का टाइप आपको डायग्राम देखे क्वेश्चन पूछता है, तो डायग्राम आप सिंपली देखिए। सबसे पहले बात करते हैं गायनेकोइड पेल्विस की, गायनेकोइड पेल्विस 50% फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, गायनेकोइड पेल्विस होता है वो 50% फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके इनलेट की बात करें तो इनलेट कैसा होता है, स्लाइटली ओवल या राउंडेड। इनलेट मैंने आपको बताया था जो पेल्विक ब्रिम या इनलेट जो होता है ये क्या कहलाएगा, पेल्विक इनलेट। ये क्या होता है, गायनेकोइड पेल्विस के अंदर स्लाइटली राउंडेड या स्लाइटली ओवल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके आउटलेट की, आउटलेट कैसा होता है इसका, आउटलेट भी राउंडेड होता है, और कैविटी होती है पैरेलल साइड वॉल्स। पैरेलल साइड वॉल्स का मतलब हो गया कि कंप्लीट मिडिल कैविटी के अंदर क्या होता है, साइड्स के अंदर कंप्लीट बोन्स के द्वारा इसकी वॉल्स बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इस्चियल स्पाइन एंड सैक्रल प्रोमोनेंट्री इज नॉट प्रोमिनेंट, ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोमिनेंट नहीं होती इस्चियल स्पाइन और सैक्रल प्रोमोनेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज द गुड सैक्रल कर्व, सैक्रल कर्व का मतलब होता है जो सैक्रम बोन होती है अपनी, अगर अपन बात करें कि अगर जो कोई पर्सन है वो अगर स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है तो वहां पर क्या होता है, सैक्रम बोन क्या करती है, कर्व का फॉर्मेशन करती है। सैक्रम बोन क्या करती है, कर्व का फॉर्मेशन करती है, जिसको बोलते हैं सैक्रल कर्व। और ये होता है 90 डिग्री का, पेल्विस के साथ सैक्रम 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होता है किसमें, गायनेकोइड पेल्विस के अंदर, ठीक है। मोस्ट सुटेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी, इसके अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है, वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे सुटेबल पेल्विस होता है गायनेकोइड पेल्विस। और आपको डायग्राम देखे पूछे तो आप इसका जो पेल्विक इनलेट है उसको देखकर आप इजिली असेस कर सकते हैं कि इसके अंदर जो पेल्विक इनलेट है वो कैसा है, राउंडेड या स्लाइटली ओवल होता है गायनेकोइड पेल्विस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड टाइप इज एंड्रॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस कैसा होता है, इट इज टिपिकल पेल्विस, मेल टाइप पेल्विस भी बोलते हैं इसको, और 20% फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मेल टाइप पेल्विस भी बोलते हैं इसको, 20% फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। शेप कैसी होती है इसकी, हार्ड शेप, देखिए इसकी शेप कैसी है, हार्ड शेप है। शेप पेल्विस की बात करें अपन, वो इनलेट की ही बात करते हैं, ठीक है। अगर अपन पेल्विस की शेप की बात करते हैं तो क्या होता है, वो इनलेट की शेप की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर इनलेट कैसा होता है, हार्ड शेप होता है इनलेट। और आउटलेट की बात करें तो आउटलेट इसके जस्ट नीचे होता है, इनलेट कैविटी और आउटलेट। तो आउटलेट कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल या ओवल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल या ओवल होता है। कैविटी कैसी होती है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कन्वर्जेंट या कॉन्ट्रैक्टेड। कि जो पेल्विस कैविटी होती है वो क्या होती है, नियर बाई ईच अदर, एक दूसरे क्या होती है, पास में दिखती है, ठीक है। एक दूसरे क्या है, पर कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, अपोजिट में होता है तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट।
और अगर एक दूसरे के सामने आया वन ऑफ ईच अदर अगर साइड वॉल्स होती है उसको बोलेंगे अपन कन्वर्जेंट। इसलिए तो इसके अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, मोस्ट कॉमन ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे अपन एंड्रॉइड पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट साइड वॉल्स का मतलब समझ में आ गया आपको कि जो साइड वॉल्स होती है कैविटी की, कि देखिए ज्यादा एक्स्ट्रा उभरी हुई है यहां से। अगर अपन लास्ट डायग्राम की बात करें तो वहां पर देखिए जो एमिनेंस जो दिखाई दे रही थी वो क्या है, लोअर देन द एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस की तुलना में क्या है वो स्लाइटली डिक्रीज है। और यहां पर कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, साइड वॉल्स क्या हुई एक दूसरे के नियर बाई आ जाती हैं, इसको बोलते हैं अपन एंड्रॉइड पेल्विस। नैरो प्यूबिक आर्च प्रेजेंट होती है इसके अंदर, इस्टियल स्पाइन एंड सैक्रल प्रोमिनेंट्री आर प्रोमिनेंट। ये जो इस्टियल स्पाइन की बात करें अपन, इस्टियल स्पाइन और सैक्रल प्रोमिनेंट्री क्या होती है, प्रोमिनेंट यानी उभरी हुई होती है, जिसके कारण पेल्विस का जो इनलेट है वो क्या हो जाता है स्लाइटली उसका डायमीटर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस की कंडीशन भी देखने को मिलती है इसमें। नेक्स्ट है थर्ड टाइप एंथ्रोपोइड पेल्विस, या इसको बोलते हैं एप पेल्विस या मंकी पेल्विस ही बोलते हैं। फाउंड इन 25% फीमेल, एप पेल्विस या मंकी पेल्विस बोलते हैं, 25% फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इनलेट कैसा होता है इसका, लॉन्गिट्यूडिनल या ओवेल। इनलेट देखिए इसका ओवेल टाइप में है, अंडाकार दिखाई दे रहा आपको, ये कैसा होता है अंडाकार या ओवेल टाइप का होता है, ये मेनली मंकीज के अंदर प्रेजेंट होता है इसको, इसलिए इसको बोलते हैं एप टाइप। साइड वॉल्स होती है इसकी कैसे होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये इमेज से क्वेश्चन पूछता है आपको, इमेज देख के आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहां से पेल्विस के टाइप के अंदर। नेक्स्ट है प्लेटीप्लॉइड पेल्विस, प्लेटीप्लॉइड या इसको बोल सकते हैं अपन फ्लैट पेल्विस, फ्लैट पेल्विस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहां पर इसका इनलेट जो है वो कैसा हो गया फ्लैट दिखाई दे रहा है अपने को। तो पेल्विक इनलेट को देखकर आप इजीली असेस कर सकते हैं कि इसका टाइप कौन सा है, गायनेकोइड है, एंड्रॉइड है, एंथ्रोपोइड है या प्लेटीप्लॉइड है, ठीक है। इट प्रेजेंट इन 5% फीमेल, 5% फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा, प्लेटीप्लॉइड पेल्विस। इनलेट कैसा होता है इसका, कंप्रेस हार्ट शेप, कंप्रेस होता है इनलेट कैसा है इसका, कंप्रेस है या फ्लैट है, ठीक है। और कैविटी जो होती है वो क्या होती है, साइड वॉल डाइवर्जेंट होती है। साइड वॉल्स क्या है, डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से अपोजिट जाए, क्योंकि जैसे अगर पेल्विस फ्लैट हो जाएगा तो इसकी जो साइड वॉल्स है वो एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, ठीक है, एक दूसरे की क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अगर ये ओवल शेप में होता तो जो साइड वॉल्स होती है वो एक दूसरे के नियर बाई जाती, इसलिए यहां पर इसकी साइड वॉल्स क्या है डाइवर्जेंट दिखाई दे रही है अपने को, ठीक है। तो इसके टाइप्स की बात हो गई, और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि आपको या तो इमेज देखे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेल्विस की आपको इमेज देगा और उसका टाइप पूछ सकता है, या फिर इसके डायमीटर्स के बारे में पूछ सकता है पेल्विस के अंदर। इसके अलावा एक चीज आपको बताता हूं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एग्जाम में कई बार आता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ इनलेट विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का इनलेट के साथ जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और कितना होता है 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री एंगल होता है इनलेट का हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर पर्सन अगर स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, सुपाइन पोजिशन सॉरी इरेक्ट पोजिशन के अंदर अगर पर्सन खड़ा है, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजिशन में, तो उसका जो इनलेट है वो क्या होता है स्लाइटली डाउनवर्ड होता है, उसका इनलेट कैसा होता है स्लाइटली डाउनवर्ड होता है। और उसका अगर अपन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हैं, पेल्विस इनलेट का हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल बनाते हैं तो कितना होता है वो 55 डिग्री का एंगल होता है, 55 डिग्री का एंगल होता है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको भी बताया था जो मैंने आपको एक एंगल बताया था जिसके अंदर आपने कर्व्स देखी थी, ठीक है, सैक्रल कर्व या सैक्रल एंगल अभी देखा था, वो क्या होगा, ये जो एंगल बना रहा है यहां पर पेल्विस का जो एंगल बना रहा है 55 डिग्री, इसके बीच में यहां पर एंगल प्रेजेंट होता है 90 डिग्री, जिसको अपन बोलते हैं सैक्रल एंगल, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं सैक्रल एंगल। दोबारा समझिए इस चीज को, अपन बात करते हैं यहां से
इनलेट, ये अगर इनलेट तो पर्सन अगर इरेक्ट पोस्चर के अंदर खड़ा है, पर्सन क्या है इरेक्ट पोस्चर के अंदर खड़ा है तो उसका इनलेट हॉरिजॉन्टल के साथ 55 डिग्री का एंगल बनाता है, 55 डिग्री का। ये तो हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब यहां पर जो सैक्रम जो होती है वो सैक्रम का एंगल प्रेजेंट होता है कितना 90 डिग्री, ठीक है सैक्रम का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं अपन सैक्रल एंगल। अब सैक्रम का और इनलेट का एंगल कितना होता है चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है जो नॉर्मल अपने को गायनेकोड पेल्विस के अंदर देखने को मिलता है। देखिए हॉरिजॉन्टल जो एंगल बना रहा है वो पेल्विस का, इनलेट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेक करते हैं अपन, ठीक है इनलेट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेक करते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सिंपली इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, तो 55 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये पेल्विस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है और कंबाइन एम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दी है, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 600 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपको रेसल भी मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मैथमेटिक्स की होगी आपकी जितेंद्र सर की, और फिर उसके बाद में आपकी विक्रम सर की क्लास होगी जिसमें आपको एमएसएन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे वो, और टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है और एक नई टेस्ट सीरीज और स्टार्ट कर देंगे कल जिसमें आपको 400 क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कंबाइन एम्स के लिए एक नई टेस्ट सीरीज और लेकर आ रहे हैं जो कल स्टार्ट हो जाएगी, तो तब तक आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व आउट करें और खुद को इवेलुएट करें कि आपको कहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, और रेशनल के साथ उन क्वेश्चन को आप देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी जितेंद्र सर की होगी मैथमेटिक्स की, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, अगर दो चार क्वेश्चन भी आपके यहां से अगर राइट होते हैं तो आपको सिलेक्शन के क्राइटेरिया को बढ़ा देते हैं, तो वो भी आप सॉल्व आउट करते रहे, साथ साथ रीजनिंग और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देखें। ज्यादा वो थ्योरी की तो आप करवा नहीं पा रहे, सिर्फ आपको क्वेश्चन के साथ आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। ओबीसी की तो मोस्ट ऑफ द क्लासे हो चुकी है, मुश्किल से 8 या 10 क्लासे और बाकी हैं, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएंगी। यूपीएनएसएम के लिए क्लास हम 8 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 8 फरवरी से स्टार्ट कर देंगे, कंबाइन एम्स के एग्जाम लगने के नेक्स्ट डे से हम यूपीएनएसएम के लिए स्टार्ट कर देंगे क्लासेस, और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कंटिन्यू आप सपोर्ट कर दें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज हमने आप ही के लिए तैयार किए, तो आप अपना इसे इवेल्युएशन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट होगा कि आपने जो जितनी गलतियां करनी है वो आप घर बैठ के कर लें, क्योंकि एग्जाम टाइम के अंदर आपको कोई मौका नहीं मिलता, वहां अगर आप गलती करते हो तो आपका सिलेक्शन रुकता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।